नमस्कार मेरे शेर सैन्य, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्मी अकेडमी। दोस्तों आज का वीडियो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है लाडलो की, सर एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड कब आएगा। जब से दो स्टेट का स्टेटस आया तो एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि सर हमारा स्टेटस कब आएगा, दूसरा कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसे हमको पता चलेगा कि हमारा एडमिट कार्ड आ चुका है लाडलो। तो लाडलो सबसे पहले बता दूं, दो स्टेट का स्टेटस रिपोर्ट आ चुका, बाकी सभी स्टेट जितने भी बाकी सारे स्टेट हैं इनके भी जल्द ही आपको स्टेटस रिपोर्ट आ जाएंगे, यानी इस महीने में 30 तारीख से पहले पहले लगभग लगभग सभी स्टेट के आ जाएंगे, सभी के नहीं तो और कुछ के आ जाएंगे लाडलो इसी महीने में। जिनके एग्जाम सेंटर आएंगे उन्हीं के 16 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो 16 नवंबर का जरूर नहीं कि सभी का एग्जाम 16 नवंबर को, बेटा सभी का एग्जाम 16 नवंबर को नहीं है, एग्जाम 16 नवंबर से दिसंबर तक जा रहे हैं आप सभी को पता है। तो एडमिट कार्ड है आपका 4 दिन पहले आएगा, कितने दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले आएगा, लेकिन स्टेटस रिपोर्ट है वो तो आने वाली है, स्टेटस रिपोर्ट आने वाली है सभी स्टेट की। मान लीजिए स्टेटस रिपोर्ट आपको इस महीने के एंड तक, यानी एंड ऑफ द मंथ ये चीज आ जाएगी। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ ये सारी आपकी स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अब आएगी कैसे पहले मैं बता दूं, ईमेल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड आ गए लाडलो। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपको अलॉटमेंट है वो 15 दिन पहले एक लिंक आ जाएगा आपके एग्जाम से 15 दिन पहले, यानी नवंबर के पहले वीक में बहुत सारे बच्चों के पास में ये लिंक आ जाएगा कि आप इसके माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सेंटर दिखा दिया जाएगा कि इस सिटी में आपका एग्जाम होगा, लेकिन जो आपका ओरिजिनल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो 4 से 5 दिन पहले आएगा। अब बाकी स्टेट की स्टेटस रिपोर्ट कब आएगी तो मैं बता दूं लाड दूं कि 30 तारीख यानी इस महीने की 30 तारीख तक बहुत सारे स्टेट की भी स्टेट रिपोर्ट आ जाएगी लाड दूं, जो यूपी बिहार की है, सॉरी यूपी और बिहार की आइए, उसी प्रकार अब बाकी अदर स्टेट की भी आ जाएगी, आप चेक कर लीजिए। और उन्होंने अपना रीजन दे दिया, आपने अगर नहीं दिया है जल्दी से आप वेबसाइट चेक कर सकते हो www.ssc.cr.org। इस वेबसाइट पे जाके एक उन्होंने नोटिस डाला, उस नोटिस को आप जरूर देख लीजिए लाड दो, इस नोटिस को जरूर देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ जिनके रिजेक्ट हुआ उनका किस कारण से हुआ है, और आप अपने अगर रिजेक्ट का रीजन जानना चाहते हैं तो आप ईमेल के माध्यम से वो रिजेक्ट का रीजन भी जान सकते हैं, और अगर आपका गलती से रिजेक्ट हुआ है तो आप उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड, उसके लिए वापस क्लेम कर सकते हैं उनको ईमेल के माध्यम से, आपका एडमिट कार्ड वापस आ जाएगा। ये रिजेक्शन वाला काम आप चेक कर सकते हैं लाडलू कहां पर, इस वेबसाइट पे जाके इस नोटिस के अनुसार, और फिर एसएससी की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप मेल करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ और पूरी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ, या आपका फॉर्म अगर गलती से रिजेक्ट हुआ तो आप उसको सही भी करा सकते हो लाडलो, इस बात का ध्यान रखिए। एक बात और सुन लीजिए, आप कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, वहां पर स्टडी मटेरियल में आप सभी के लिए बहुत ही शानदार स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री किया गया है, यानी हमारे अकेडमी के बच्चों के नोट्स बिल्कुल फ्री है आपके लिए, लास्ट समय में रामबाण साबित हो गए बेटा। ठीक है, तो ये नोटिस का ध्यान रखिए, एक नोटिस ये आप अवश्य देख ले बेटा। ठीक है, जय हिंद जय भारत मेरे लाडलो।